हेलो फ्रेंड्स मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नेक पेन रिलीफ का ऐसे एक टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जो टेक्निक आपको नेक पेन रिलीफ करने के लिए साथ में अगर आपके नेक में बहुत ज़्यादा मसल टाइट बन चुके हैं उनका स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो ये टाइटनेस और स्टिफनेस कम करने के साथ साथ आपके नेक पेन को खत्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तो गाई जनरली होता क्या है हम दिन भर अगर बहुत ज़्यादा लैपटॉप के ऊपर काम कर लेते हैं कंप्यूटर का यूज़ करते हैं मोबाइल का यूज़ करते हैं तो उस केस में हम हमारे हेड को किसी पर्टिकुलर एंगल में होल्ड करके रखते हैं अब जैसे जैसे होल्डिंग बढ़ते जाता है उसके साथ साथ हमारे नेक के जो स्टेबिलाइजर्स होते हैं हेड के जो स्टेबिलाइजर्स होते हैं और नेक के जो भी सराउंडिंग मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे टाइट होना शुरू हो जाते हैं उनमें स्टिफनेस बढ़ जाता है अब ये स्टिफनेस बढ़ने के साथ साथ वो मसल्स वहाँ पे पेन क्रिएट करते हैं साथ में अगर आप हेड का किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करने की कोशिश करते हो चाहे फिर वो राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो ऊपर हो नीचे हो तो ये सारे मूवमेंट करते टाइम आपको एक तो बहुत ज़्यादा पेन फील होता है साथ में ये मूवमेंट आपको फ्रीली नहीं हो पाते तो गाइज ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सिंगल टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसके साथ साथ काफ़ी लोगों का हमेशा एक सवाल आता है काफ़ी लोग एक कंप्लेंट भी करते हैं और ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की है अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो ये वीडियो देखते देखते आप भी ज़रूर चेक कीजिए कि अगर मैं मेरे हेड को राइट साइड में लेके जाऊँ तो मेरा हेड ऑलमोस्ट नीचे तक चला जाता है बट अगर मैं सेम इसको लेफ्ट साइड में लेके कर जाऊँ तो उतना नीचे नहीं चला जाता तो गाइज़ काफ़ी बार क्या होता है हमारा हेड एक साइड में काफ़ी ज़्यादा रोटेट होता है तो, बेंड होता है और दूसरे साइड में उतना बेंड नहीं हो पाता ये होता है मसल की इम्बैलेंस की वजह से उसके टाइटनेस की वजह से अब गाइज़ ये अगर प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी ये जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ ये हेल्प करेगा इसके साथ और एक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है कि लोग ये बोलते हैं स्पेशली हैमस्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं तो लोग ये बोलते हैं कि सर मैं काफ़ी दिन से हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहा हूँ बट एक पर्टिकुलर पोजीशन uh, पे आके वही पे रुक जाता है उससे आगे वो बढ़ी नहीं रहा है उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी नहीं रहा है तो गाइज ये टेक्निक आपका अगर मसल जो आप स्ट्रेच कर रहे हो वो मसल का स्ट्रेच एक जगह पर आके रुक गया है काफ़ी दिन से उससे आगे हो ही नहीं रहा है तो ये टेक्निक उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तो गाइज जिस टेक्निक की मैं अभी बात कर रहा हूँ उस टेक्निक को हम बोलते हैं पी एन एफ अब इसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्क्यूलर फैसिलिटेशन आपको इतना लंबा चौड़ा नाम याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप बस पी एन एफ याद रखिए और ऑर्गेइज ये जो टेक्निक होता है न्यूरोमस्कुलर टेक्निक होता है तो इसमें हमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये टेक्निक हमें हमारे मसल का टाइटनेस कम करने के लिए पेन कम करने के लिए कैसे हमें अप्लाई करना है वो ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट है तो अब हम देखते हैं कि कैसे इस टेक्निक की हेल्प से अगर आपका नेक पेन हो रहा है नेक के मसल बहुत ज़्यादा टाइट है उनमें बहुत ज़्यादा स्पाजम है तो इस टेक्निक की हेल्प से हम इसको कैसे कम कर सकते हैं तो गैज़ ये जो पी टेक्निक है ये हमारे स्पोर्ट्स के जो प्लेयर होते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो हमारे स्पोर्ट्स के कोचेस होते हैं ये इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है ये आपके मसल का जो भी टाइटनेस है उसको इंस्टेंटली रिलीज कर देता है तो गाइज अब हम ये देखते हैं कि ये सेम टेक्निक हम, हम हमारे नेक के ऊपर कैसे यूज़ करना है इसकी हेल्प से कैसे हमारे नेक के मसल का टाइटनेस स्टिफनेस कम करना है और हमारे नेक पेन को कम करना है तो गाइज़ इसके लिए हमें क्या करना है आप ध्यान से देखिए मैं आपको पहले प्रोसेस बताता हूँ हमें क्या करना है हमारे नेक के हेड को ऐसे पकड़ के हमारे नेक के मसल को स्ट्रेच कर लेना है ओके okay. आप स्ट्रेच हमें टेन सेकेंड के लिए करना है जैसे मैं इसको स्ट्रेच करने की स्ट्रेच करना शुरू कर देता हूँ तो 10 सेकेंड के लिए मुझे यहाँ पे होल्ड करके रखना है अब जैसे ही दस सेकेंड 10 सेकेंड 10 खत्म होते तो उसके इमीजिएट बाद आपको क्या करना है अगले 6 सेकेंड के लिए सेम पोजीशन में अभी अपने हेड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ठीक है तो पहले टेन सेकंड के लिए आपको बिल्कुल फोर्स नहीं लगाना आपको बस सिंपली नेक को नॉर्मल स्ट्रेच करके रखना है जैसे टेन सेकेंड खत्म होते हैं तो आपको अगले छः सेकेंड के लिए हेड को अपोजिट डायरेक्शन में उल्टे साइड में फोर्स लगाना है अगेंस्ट द हैंड अब जैसे छह सेकेंड खत्म होते तो आपको धीरे से फोर्स कम कर देना है और ये टेक्निक रिलीज करना है ठीक है अभी करते टाइम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम 10 सेकंड के लिए स्ट्रेच करेंगे तो उस टेस्ट उस केस में मेरा जो ये शोल्डर होगा अपोजिट साइड शोल्डर ये हमें कंपलसरी नीचे ड्रॉप करके रखना है अब काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं इसको स्ट्रेच करते टाइम नेक को तो इधर खींच लेते बट साथ में शोल्डर लिफ्ट कर देते तो इसमें तो बिल्कुल स्ट्रेच नहीं आएगा ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा तो सबसे पहली चीज़ आपको शोल्डर को नीचे प्रेस करके रखना है और पीछे की तरफ पुश करके रखना है ठीक है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है हाथ यहाँ पे रख के मैं भी अपने नेक को टेन सेकेंड के लिए यहाँ पे स्ट्रेच कर लेता हूँ ट नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन अब दस सेकेंड खत्म होने के बाद मैं क्या करूँगा मेरे हेड को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूँगा सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड रिलैक्स अब धीरे से हाथ को निकाल के इसको रिलीज करना है ठीक है अब हम देखते हैं इसको इस साइड में कैसे यूज़ करना है मैंने मेरे हाथ को यहाँ पे रखा अब मेरे शोल्डर को नीचे ड्रॉप करके रखा अब धीरे से टेन सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेच शुरू कर दिया टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन अब मैं क्या करूँगा छः सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई करूँगा सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड तो गाइज ये एक बार आप करके देखिए वीडियो के बाद आप एक करके देखिए आपका जो भी रेंज ऑफ मोशन होता है वो इंस्टेंटली बढ़ जाता है अब ये टेक्निक आप नेक के साथ हमने जैसे की वैसे हेमस्ट्रिंग के साथ आप कर सकते हो जैसे जैसे आप इसका हेमस्ट्रिंग के साथ आपको क्या करना है हेमस्ट्रिंग को किसी को बोल के टेन सेकेंड के लिए स्ट्रेच करके रखना है आप सेम पॉइंट पे जहाँ पे आपको स्ट्रेच बहुत ज़्यादा फील हो रहा है वहाँ पे होल्ड करना है टेन सेकेंड और टेन सेकेंड के बाद इंस्टेंटली आपको हैमस्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुश करके अपने लेग को नीचे पुश करना है सिक्स सेकेंड के लिए तो जैसे सिक्स सेकेंड हो जाएंगे आप इसको रिलीज कर देना आप देखोगे आपका जो भी हैमस्ट्रिंग का जो फ्लेक्सिबिलिटी है एकदम इंस्टेंटली बढ़ जाता है अब ये नेक के साथ हमने आज किया तो ये क्या करेगा नेक के जो मसल्स है उनका जो टाइटनेस है स्टिफनेस है उसको इंस्टेंटली रिलीज कर देगा साथ में आपके नेक में जो भी पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ मसल्स पाजा मसल टाइटनेस वो इंस्टेंटली कम हो जाएगा इस टेक्निक के आपको दो या तीन रिपीटेशन करने गए और जैसे जैसे आप इस टेक्निक को एवरी डे फॉलो करते जाओगे आपके नेक के जो भी टाइट मसल्स है स्टिफनेस उनमें आ चुका है वो सब निकलना शुरू हो जाएगा और आपका नेक पेन इंस्टेंट रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो गाइज मैं फिर से एक बार बताता हूं आपको क्या करना है टेन सेकेंड के लिए नेक को स्ट्रेच करके रखना है देन अगले छः सेकेंड के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके रखना है और देन उसके बाद इसको रिलीज करना है अब इसको दोनों साइड करना है तो धीरे धीरे जैसे आप इसका प्रैक्टिस करोगे इसकी हेल्प से आपका नेक पेन रिलीज हो जाएगा और साथ में आपके नेक के ऊपर जो भी प्रेशर आ रहा है वो एकदम से निकलना शुरू हो जाएगा तो गाइज आई होप जो भी पी टेक्निक मैंने आज, आज आपको बताई है आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी इसको कैसे करना है कितना करना है ये सारा आइडिया आपको आया होगा तो गाइज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए क्योंकि ये सिंगल टेक्निक आपको जो भी नेक पेन हो रहा है उसके जो भी मसल का टाइटनेस है उसका स्पाजम है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जिन लोगों को हमेशा प्रॉब्लम होता है नेक के रिलेटेड उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये टेक्निक उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केयर